हेलो गाइस, मेरा नाम शैलेश मिश्रा है और आज मैं इस वीडियो में आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, टूर कराऊंगा मैगलगंज के आसपास। यहाँ पे एक कट आता है, अगर आप फ्लाईओवर के इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो ये आपको पहुँचा देगा सीतापुर। कोई यू टर्न नहीं आएगा, इसलिए राइट सोच के लेफ़्ट आपको ले लेना है यहाँ से, अगर आप नेहरी से आपको बरखेवा गाँव की तरफ अगर आपको जाना है तो। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मेरे 600-800 मीटर के आसपास होगा। आपको साइड में कुछ दुकानें मिल जाएंगी, आप चाहे यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, वेल एसोसिएटेड है। आगे यहाँ पे प्लॉट भी कट रहे थे, मेरा एक फ्रेंड है गौरव धनपाल कुमार जो भी, उनकी यहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है। रेट्स के लिए मैं एक नई सेपरेट वीडियो बना दूँगा। यहाँ से अपने को राइट टर्न करना है, ये फ्लाईओवर के नीचे से अंडर पास बना रखा है, नेरी कट के नाम से ये फेमस है। अगर आप आसपास कहीं आते हैं आप पूछ सकते हैं कि नेरी कट कहाँ पर है, लोग आपको ईजिली गाइड कर देंगे। आप जैसे दोनों तरफ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको वेल एसोसिएटेड शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, रेडी पे आपको रिक्शा और ऑटो ऐसी फैसिलिटी भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। जैसे ही आप इसका बॉर्डर पार करोगे आपको और बेहतरीन और वैरायटी में शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे, चाट पकौड़ी से लेके मिठाई, डाइपर, राशन, केमिस्ट, डॉक्टर जैसी बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे मैं इसे मेरे साथ यहाँ पे वाइफ ट्रैवल कर रही थी, उनकी बहुत पुरानी फ्रेंड वो मिल गई, उन्होंने देख लिया गाड़ी के अंदर से कि यार ये तो वो है, तो हम काफ़ी अच्छे यहाँ पे आधा घंटा का एक सेशन था। एंड मैं तो जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम मिला था तो ज़्यादा इंटरेक्ट हमने नहीं, मेरी वाइफ ने करा। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं, जैसे ही थोड़ा आगे गए तो हमने, मैंने बोला कि काफ़ी दिनों बाद मिली है तो फ़ोटो वगैरह आपने नहीं, तो मैं चलो कभी दोबारा, तो यहाँ से हमने दोबारा से यू टर्न लिया एंड वी हैड अ ग्रेट फोटो सेशन। आप देख सकते दोनों तरफ दुकानें कंटिन्यू हैं, ये वो कट है जहाँ से हमने दोबारा कट लिया था। आपको अभी बैक से ले चलूँगा, बैक से आपको और चीज़ें दिखाऊँगा कि कौन कौन सी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ दुकानें देख पाओगे। थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन ऑल दो इसके अंदर रहता है क्योंकि सिंगल रोड है, यहाँ पे डबल रोड नहीं बनी, मे बी आगे हो सकता है, बट फिलहाल अभी तो सिंगल रोड से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो गांव जो लो इनकम वाले हैं उससे काफ़ी ऊपर हैं, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो दोनों तरफ आपको गाड़ियाँ बाइक्स मिलेंगी, प्रॉपर साइनिंग आपको अगर रखी है, जैसे स्टॉप साइन है, कितने किलोमीटर आपको चलाना है, वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। यहाँ पर हमारा फोटो सेशन डन हो गया था, नाउ वी आर बैक अगेन टू मैकल बरखेवा गाँव। अब बरखेवा गांव से पहले यहाँ पे पड़ता है बद्दापुर, वहाँ भी इससे तो थोड़ी कम मार्केट है, बट आपको वहाँ भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, जैसे चूड़ी, कपड़े और मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ऑल्दो इस जगह पे ये सुविधाएँ ज़्यादा हैं, सो आपको रेट बेटर मिलेंगे इस नेरी पॉइंट पे कंपेयर टू आपका बद्दापुर क्रॉसिंग। आप देख सकते हैं आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये गांव नहीं है, ये टाउन है। ऑल द मैगलगंज से थोड़ा सा यहाँ पे इतना वेल एसोसिएटेड नहीं है, बट फिर भी इसको एक अच्छा टाउन बोल सकते हैं, गांव की काउंटिंग में तो ये चीज़ डेफिनेटली नहीं आती है। आगे देख पाएंगे एक ऑल्टो खड़ी हुई है, लेफ्ट राइट आपको दुकानें मिल जाएंगी पान वगैरह पुड़िया वगैरह की। अब जो मैं आप दिखाने वाला हूँ ये है अंडर पास, ऊपर रेलवे लाइन निकली हुई है, यहाँ पे इनका मोहाली रेलवे स्टेशन भी है। ये पहले यहाँ पर अंडर पास नहीं था, यहाँ पर फाटक वाला सिस्टम था, दिक्कतें काफ़ी होती थी। ऑल दो ये फैसिलिटी अभी मैगलगंज वाले में नहीं आई है, मैगलगंज में स्टिल फाटक लगे हैं तो वहाँ पर रुकना पड़ता है अगर ट्रेन क्रॉसिंग आती है, बट यहाँ पे सो हम अंडर पास यहाँ पर पार कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा बैरियर जिसमें आपको दिखाया कि ज़्यादा हाइट वाले व्हीकल जो होंगे वो उसके अंडर नहीं कर पाएंगे। ये भी एक सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर लिया गया है रेलवे ट्रैक्स एंड इट्स पैसेंजर के लिए। अब जैसे हम इसको पार करेंगे, यहाँ पे एक छोटा गांव है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी, ऑल दो प्राइवेट हैं, कोई गवर्नमेंट यहाँ पे मेरे ख्याल से तो नहीं है एज़ पर माई नॉलेज।
बट प्राइवेट फैसिलिटी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे खेत हैं। इनमें क्या है, आपको क्रॉप्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप खेत वगैरह ले सकते हैं। अब देखो, आप देखोगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लोगों के घर हैं। जो यहाँ की क्रॉप है, मतलब जो सब्जियाँ या जो भी आप फसल अपने बोओगे खेतों में, वो काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है। इसलिए जो यहाँ पे लैंड हैं, जो यहाँ पे खेत हैं, उनके रेट कंपेरेटिवली हायर हैं। मतलब जो यहाँ आपका 1 बीघा है, वो आपको करीबन करीबन आपको 3 साढ़े 3 लाख, मतलब जैसा बढ़िया खेत वैसे मिल जाएगा। बट कम से कम अगर आप ज़्यादा 40-50 बीघा भी लेते हो, तो आपको रेट जो है वो 2.5 लाख रुपये 1 बीघा के हिसाब से पड़ेगा, जो कि महंगा है। बट हाँ, उसके अंदर आपको चीज़ें, आप कुछ भी बो सकते हो उसके अंदर, मूंगफली, गन्ना, धान, गेहूँ, जो भी आपको करना है, और अच्छी फसल इसके अंदर होगी। आप देखो, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों तरफ इतने डेंस आपको जंगल टाइप का मिल रहा होगा, बड़े खाली यहाँ पे झाड़ियाँ लगी, उसके बाद आगे सब खेत खेत हैं। वन ऑफ द मोस्ट, एक सेफ्टी एडवाइस जो आपको देना चाहूँगा इसके अंदर, मैं एक बार हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हम वही 4-5 बजे चले थे दिल्ली से, तो यहाँ पे पहुँचे थे 12-1 बजे। बाहर इतना कोहरा, इतना फॉग हमें नहीं मिला था मेन हाईवे पे, पर जैसे ही हम लोग यही नहरी वाले कट से अंदर को आए, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोहरा हमें देखने को मिला। इतना ज़्यादा कोहरा था कि मतलब हम लोग लिटरली 1-2 की स्पीड में चल रहे थे, 2-3 पे, क्योंकि हमें नहीं पता था नेक्स्ट मोमेंट में क्या सामने आ जाएगा, क्योंकि इतना तगड़ा फोग था। और काफ़ी, कम से कम 10 फुट 9 फुट हाई, तो ऊपर ऐसे धूल मिलती थी यादी वाली। सो उसमें बेस्ट रहता है कि आप 6-7 बजे तक आ जाओ, 6-7 बजे तक कोई इतना दिक्कत नहीं होता, पर 11 बजे अगर आप प्लान कर रहे हो इसमें आने के लिए, देन थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग यहाँ पे तो है। एंड रीज़न वाई यहाँ पे फॉग होता है, क्योंकि साइड में दोनों तरफ खेत हैं, उनमें पानी लोग लगाते हैं, पानी ठंड में जल्दी ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा फॉग उससे बनती है, तो इस समय दोनों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है। अभी यहाँ पे शायद लेफ्ट साइड में एक कट आएगा, आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा, क्रॉसिंग, जैब्रा क्रॉसिंग टाइप का होगा, उसमें ब्लू, येलो और ब्लैक कलर के होगा। उसी कट से हमने को अंदर कट होना है लेफ्ट साइड में, जो कि आपको बरखेरवा गांव ले जाएगा। शायद इस वीडियो में हो जाए या नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कट दिखे, बट दिखेगा ज़रूर। आप लेफ्ट साइड में देख सकते कितने से यहाँ पे गन्ने आपको दिख जाएंगे, और इस मौसम में आपको गन्ने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने कभी नोटिस करा होगा, जो आप गन्ने शहरों में खाते हो, और जो गन्ने का रस निकाल के आप, सो बेटर ये रहेगा कि आप कोई ऐसी लाइट इस्तेमाल करें अपनी गाड़ी में जो कि येलो हो, तो थोड़ा हेल्प करेगा आपको अच्छी स्पीड मेंटेन करने के लिए। बट फिलहाल और तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाईवे पे इतना आपको मिलता है, मानता हूँ, नो डाउट मिलता है आपको फॉग हाईवे भी मिलता है, बट जो गाँव के अगर आप घुसोगे कभी और खेतों के आसपास निकलोगे जहाँ पे पानी लगा रखा है, बहुत ज़्यादा आपको डेंस फॉग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा छोटा आपको राइट में लेफ्ट में कभी दिख रहा होगा कि कुछ कपड़े सूख रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो खेत वालों के ही हैं, वो अपने छोटा सा सिस्टम बना लेते हैं ताकि बार बार घर से अप एंड डाउन ना करना पड़े उनको। और अभी ये कंटिन्यू चलेगा मेरे ख्याल से, अभी यहाँ पे बदबू आया नहीं है, तो शायद अगली वीडियो या उसकी अगली वीडियो में आपको वो कट में दिखाऊंगा, एंड आपको रिएक्शन दिखाऊंगा होगी। जो अभी गाड़ी में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इसमें लगा हुआ है JBL का फुल सिस्टम, बेस ट्यूब एंड ऑल द स्पीकर। आवाज़ इसके अंदर मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, जस्ट द रीज़न कि भाई कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एंड आई डोंट वांट कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ भी ऐसा वीडियो में आए। ये सर बद्दापुर वाला था, अभी जो क्रॉसिंग आपको दिखी यहाँ पे, क्योंकि तो हम यहाँ पे रुके नहीं है, बस फटाफट फटाफट भागे हैं। और इसके आगे लेफ्ट साइड में कट आएगा, बट यहाँ भी मेघा से आपको 1 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ती है, ऑल दो हाँ दूर है, बट इट्स सो मच गुड कि आप छुट्टियों में टाइम निकाल के आओ यहाँ पे एंड लुक एट द ब्यूटी, क्योंकि बहुत इंटेंस डेंस आपको सिटी से अलग मिल जाएगा। रात को यहाँ पे लोग 7:30-8 बजे तक सो जाते हैं, खाना वाना खा के, एंड मॉर्निंग उनकी वही 4 बजे होती है। सो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड लोगों का यहाँ पर होता है। गांव में उतना पैसा तो नहीं होगा, बट हाँ, जो क्वालिटी लाइफ आपको मिलती है उस शहरों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है।
यहाँ पे एक शार्प कट है, तो जितना हो सके एज पर द इंडियन रूल आपको लेफ्ट रहना है और हॉर्न बजा के काटना है। बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट, विल सी यू सून, समथिंग एल्स इन दिस वीडियो, बाय बाय।